जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव ने मुंबई को दिलाई आरसीबी पर शानदार जीत। जसप्रीत बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद सूर्यकुमार यादव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग के शीर्ष दो टीमों के मुकाबले में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में प्रवेश तय कर लिया। बुमराह की कसी हुई गेंदबाजी के सामने देवदत्त को छोड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कोई भी बल्लेबाज नहीं टिका और वे 6 विकेट पर 164 रन ही बना सके। जवाब में मुंबई ने 5 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में नहीं चुने जाने का गम भुलाते ही यादव 43 गेंद में 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 79 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के बाद मुंबई 12 मैच में 16 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि आरसीबी इतने ही मैचों में 14 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। दिल्ली कैपिटल्स के 12 मैच में 14 अंक हैं, लेकिन वह नेट रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर है। किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 मैचों में 12 अंक हैं। मुंबई के लिए यादव को छोड़कर हालांकि कोई बल्लेबाज ज्यादा देर नहीं टिक सका। हार्दिक पांड्या ने 15 गेंद में 17 रन बनाए। क्विंटन डीकॉक और ईशान किशन अच्छी शुरुआत को बड़ी पारियों में नहीं बदल सके। पहले बल्लेबाजी के लिए भेजी गई आरसीबी के लिए देवदत्त ने 45 गेंद में 12 चौके और 1 छक्के की मदद से 74 रन बनाए। उन्होंने पहले विकेट के लिए जॉस के साथ 71 रन जोड़े। इसके बाद आरसीबी का मध्यक्रम चरमरा गया और मुंबई के गेंदबाजों के दबाव बना दिया। बुमराह के 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट लिए। देवदत्त ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर चौके के साथ शुरुआत की और तीसरे ओवर में कृणाल पांड्या को लगातार 3 चौके लगाए। दोनों समय बल्लेबाजी ने बिना किसी दबाव के खेलना जारी रखा। फिलिप ने ट्रेडवोल्ड को 5वें ओवर में छक्का भी जड़ा। देवदत्त ने जेम्स के अगले ओवर में 2 चौके लगाए। 6वें ओवर में आरसीबी का स्कोर बिना किसी नुकसान के 54 रन था। इसके बाद लेग स्पिनर राहुल चाहर ने फिलिप के ललचाया, जो आगे बढ़कर खेलने के प्रयास से चूके, लेकिन क्विंटन डीकॉक ने स्टंपिंग करने में कोई चूक नहीं की। देवदत्त ने चाहर को 2 चौके और लगाकर अपना 8 दशक पूरा किया। कप्तान विराट कोहली टिक नहीं सके, जिन्होंने बुमराह ने सौरभ तिवारी के हाथों लपकवाया। दूसरे छोर से हालांकि देवदत्त ने चाहर को 15वें ओवर में 1 छक्का और 2 चौके लगाकर 16 रन निकाले। आरसीबी ने मध्यक्रम के 4 विकेट जल्दी गंवा दिए। एवी डिविलियर्स, शिवम दुबे, देवदत्त, क्रिस मॉरिस के पवेलियन लौटने से आरसीबी का स्कोर 6 विकेट पर 138 रन हो गया। गुरप्रीत मान ने 14 रन तेजी से बनाए, लेकिन डेथ ओवर में मुंबई के गेंदबाजों ने हमेशा की तरह उमदा प्रदर्शन किया। आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 35 रन बने। मुंबई इंडियंस की शानदार जीत के बारे में आप कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।